अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ योर होस्ट कमर राजपूत। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम मौजूद हैं नीलम ब्लॉक इकबाल टाउन में, और यहाँ पे एक यंग एंटरप्रेन्योर है, उन्होंने एक रेस्टोरेंट बनाया था खाबे 360 के नाम से। सो स्पेशलिटी इनकी ये है कि पिज़्ज़ा जो है वो ब्रिक ओवन में बन रहे हैं, और जो इनके बन हैं वो फ्रेशली बेक्ड खुद बनाते हैं, लोग बाहर से नहीं ले रहे, और सॉसेस वगैरह भी। तो बाकी की इन्फॉर्मेशन अंदर चल के लेते हैं, ऑनर से भी मिलते हैं, और लेट्स फाइंड आउट अबाउट द शेफ ऑल्सो, एंड देन वी विल रिव्यू द फूड। सो कम अलॉन्ग एंड लेट्स शो यू। फिर से मैं रिपीट कर दूँ, नीलम ब्लॉक टोटल पम्प के ऑपोजिट इकबाल टाउन खाबे 360। सिटिंग जो है वो आई थिंक यंगस्टर्स के लिए यहाँ फंकी सी बन गई है, और अगर आप फैमिली के साथ हो तो टेक अवे कर लो। सो लेट्स गो अराउंड, लेट्स शो यू अराउंड। और व्यूवर्स, हमारे साथ जलील गोरी साहब मौजूद हैं, ऑनर खाबे 360 के। यार नाम चेक करो बंदे की, देखा है ये आपने, टेक्निकल जो थिंकिंग है वो चेक करें आप, क्योंकि बेसिकली प्रीवियसली आपको खुद भी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? सो प्रीवियस थोड़ा सा शॉर्ट सा ब्रीफ तारफ दें अपना कि कहाँ कहाँ जॉब करते हैं। सर सबसे पहले मैं सर्वानंद चौधरी इंग्लिश टूथपेस्ट पे काम किया है। अच्छा। उसके बाद मैंने अल्बर्टा वेस्ट मैनेजमेंट में, ओके, एज अ डिजिटल पीपल चार्ज। ओके। सो कॉर्पोरेट कल्चर्स में काम कर करके वही टेक्निकल माइंडसेट था इनका। 360 डिग्री एक वर्ड को खाबे के साथ जोड़ दिया, खाबे जो कि ट्रेडिशनल है, इन लोगों ने कुछ इंग्लिश वगैरह का वर्ड नहीं यूज़ किया, विच आई डू अडोर के पाकिस्तान के कल्चर को आगे लेके आ रहे हैं। अच्छा बताएं फिर क्या स्पेशलिटी, क्या रेस्टोरेंट्स और भी काफ़ी हैं, कैफेज़ वगैरह लाहौर तो आपको पता ही है। बिल्कुल। तो क्या सोच के डिफरेंट क्या है बाकियों से? सर बाकियों से डिफरेंट ये है, एक तो ब्रिक ओवन पिज़्ज़ा हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। एक ब्रिक ओवन पिज़्ज़ा हो गया। अच्छा, ब्रिक ओवन यूज़ हो रहा है। दूसरा हम बन, फ्रेश बन हम खुद तैयार कर रहे हैं। बन बाहर से नहीं आ रहा? नहीं, बन बाहर से नहीं आ रहा से नहीं। हमारी चिकन पैटी, बीफ पैटी वगैरह कुछ भी बाहर से नहीं। अच्छा, पैटीज भी अपनी तैयार? पैटी भी अपनी तैयार, वो पैकेट वाली, वो जो रेडी टू मेड है, केएनएनस वगैरह ये, वो बिल्कुल हम हाइजीनिक तरीके से जो है अपना वो तैयार। अच्छा, पैटी अपनी है? जी जी बिल्कुल। और टेस्ट अपना एक यूनिक सा होगा? यूनिक टेस्ट और रेसिपीज हमारी अपनी है। अच्छा ठीक हो गया। और इसमें जो रेसिपी स्पाइसेस है वो भी हम खुद तैयार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बंदा टेस्ट करके जा रहा है वो दोबारा ला रहा है, और अपने साथ और बंदों को लेकर आ रहा है। चलो बेस्ट ऑफ लक, हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं। ओके व्यूअर्स, अभी चलते हैं किचन में तो आपको दिखाते हैं। अगेन बहुत कम रेस्टोरेंट्स हैं जो किचन में एक्सेस देते हैं, क्यों? क्योंकि गंद बला उन्होंने जो भी हैं चीज़ें वगैरह बिखरी होती हैं, सामने तो फैंसी लग रहे होते हैं, बट दीज गाइस दे हैव ऑलरेडी गिवन अस द टूर इनसाइड। तो अंदर दिखाते हैं आपको कि किस तरह का किचन है, और शेफ साहब से भी मिलते हैं, आ जाइए। चलो स्नान, तेरी क्या अपेंडिक्स का मर्ज था या और कौन सी तेरी थी? कीड़ा तुझे आराम नहीं करने देता, सर्जरी करें पहले तेरी फिर शुरू कर लेते हैं उधर कि नहीं, ये चेक कर यार, एक मैग्नेट है ना, घर में भी ऐसा एक सीन करवाना, कन्वीनियंट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अरे तो नाम बता रहे हैं मैं आप साहब का कुछ घूम गया नीचे, वो ढूंढ लें। सर मैंने ही तंग किया हुआ, मैंने कहा जल्दी जल्दी बना के दो। अच्छा क्या नाम है? सहल सहल समद। सहल समद जी, सहल समद, नाम चेक करो इन लोगों के, अपने भी रेस्टोरेंट के। अच्छा ना, मतलब क्या सहल? आसान। आसान सहल तो आसान नहीं है यार। ये क्या बना रहे अभी? ये मैं पिज़्ज़ा बना रहा हूँ, चिकन सिसिलियन। सिसिलियन पिज़्ज़ा बन रहा है, थिन क्रस्ट है? जी बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं, क्रस्ट का डिफरेंस उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स का भी होता है या? जी बिल्कुल, डीप पैन में कुछ ज़्यादा जाते हैं लोग पिज़्ज़ा, उसमें काम मुझे कहाँ कहाँ कर चुके हैं काम। मैं सबसे पहले जो मैंने जॉब स्टार्ट की थी, मैंने पिज़्ज़ा आर्ट से स्टार्ट किया। अच्छा, पिज़्ज़ा आर्ट हाँ जी साहब। और उसके बाद मैं हैप्पी वैली था, यूसीपी यूनिवर्सिटी के साथ, वहाँ
मैंने सुना आप अब्रॉड में भी थे। जी दुबई में मैं था। दुबई में क्या करते हैं? दुबई में भी है सेम इटालियन फूड। इटालियन जाती है यार। अच्छा खासा बंदे का एक्सपोजर है, मैं तो लाइट ले रहा था। खैर मूविंग ऑन, अब बेकिंग प्रोसीजर दिखाते हैं, देन वी विल टेस्ट इट, देन वी विल लेट यू नो कि किस तरह का। पकड़ा नहीं जा रहा मुझसे, अभी अभी फ्रेशली निकला है और देख सकते हो बकायदा उसके ना प्रॉपरली चीज़ के बबल्स बन रहे हैं, इसीलिए इसको अभी टेस्ट करूँगा तो इसका जायका डिफरेंट होगा। Look at that cheesiness. यार वाह, मुझे जो हमेशा चीज अच्छी लगी है वो है यूनिकनेस। दूसरों को कॉपी ना करो, अपनी चीज लाओ। क्रस्ट से लेके टॉपिंग तक और चिकन तक और उसका जायका, सब कुछ ही काफ़ी बैलेंस्ड और बहुत ही यूनिक सा टेस्ट है। और व्यूअर्स देख सकते हो आप कैल्ज़न पिज़्ज़ा, इसमें यूनिक चीज़ ये है कि क्रस्ट ऊपर नीचे दोनों साइडों पे है और बीच में फिलिंग है। जस्ट लुक एट दैट ब्यूटी, उसके अंदर है वो सारी जो भी फिलिंग्स वगैरह। ट्राई करता हूँ। कैल्ज़न पिज़्ज़ा आई थिंक फॉर दोज इट्स बेस्ट, जो एक नॉर्मल यूजुअल शेप देख देख के बोर हो चुके हों उन लोगों के लिए। बाकी इंग्रेडिएंट्स वही हैं, बस क्रस्ट डिफरेंट है, टेस्ट अच्छा है। एक नई चीज़ है यार, ट्राई करनी चाहिए। ओवरऑल थम्स अप फॉर काबे 360। डू कम हेयर, सपोर्ट देम और रीजनेबल प्राइसेस हैं, फूड अच्छा है इनका। Signing off for now.